हजारों साल पुराना मंदिर, खुफिया दरवाजे, खोई हुई चाबी, सोने चांदी के भंडार और सांपों का पहरा, ये कहानी है चार धामों में से ओडिशा के पुरी में बसे जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की, जिसके अंदर एक प्राचीन खजाना है जिसकी रक्षा हजारों सांप करते हैं। 2024 लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान इसे रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति हुई। भाजपा ने इसे लेकर बड़ा मुद्दा बनाया और अपने वादों को पूरा करते हुए 14 जुलाई को मंदिर के रत्न भंडार को खोल दिया। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले हीरे जवाहरात, सोने चांदी भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। रत्न भंडार में दो चैम्बर है, बाहरी चैम्बर और भीतरी चैम्बर। दोनों में आभूषण और रत्न है, लेकिन खोले जाने के नियम में अंतर है। 1960 में बनाए गए रूल्स के मुताबिक रत्न भंडार की चीजों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी वन में वो रत्न आभूषण आते हैं जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं, जो सालों पुराने हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। कैटेगरी टू में वो रत्न जो खास मौकों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन स्वर्ण वस्त्र, जिन्हें रथ यात्रा जैसे खास मौकों पर ही बाहर निकाला जाता है। और आखिरी में कैटेगरी थ्री, इनमें वो रत्न आभूषण आते हैं जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। कैटेगरी टू और थ्री के रत्न बाहरी भंडार में रखे जाते हैं और कैटेगरी वन के भीतरी भंडार में। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की सील लगी रहती है और चाबी राज्य सरकार के पास रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास रहती है। साल 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का आदेश दिया था ताकि कमरे की मरम्मत आदि की जा सके। एएसआई को कमरे का सर्वे भी करना था। एएसआई कमरे को खोलने जा रही थी तभी पता चला कि चाबी गायब है। अब नियम के हिसाब से चाबी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि चाबी गायब है। अचानक एक दिन कहा गया कि जिले के रिकॉर्ड रूम में डुप्लीकेट चाबी सील बंद लिफाफे में पाई गई है। नियमों के हिसाब से डुप्लीकेट चाबी नहीं होनी चाहिए थी। यहां से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया और खूब हंगामा हुआ। हजारों साल पुराने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितनी संपत्ति है, ये जानने के लिए 46 साल बाद 2024 में फिर से रत्न भंडार खोला गया और इस दौरान सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खोलने से पहले खास तरह के 6 बड़े बड़े बॉक्स मंगवाए गए थे ताकि उनमें खजाना रख सके। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। इसके अलावा सांप पकड़ने वाले लोगों को भी बुलाया गया, क्योंकि लोगों का कहना है कि बंद दरवाजे के पीछे से फुफकारने की आवाज आती है। जब कमेटी रत्न भंडार को खोलने गई तो जो चाबियां दी गई थी वे काम नहीं की, इसलिए 3 ताले तोड़े गए। अब जान लीजिए कि कमेटी ने अंदर क्या देखा। राज्य की ओर से गठित ऑडिट सुपरवाइजरी कमेटी के प्रमुख जस्टिस विश्वनाथ रथ का कहना है कि टीम ने आंतरिक दरवाजे में 5 लकड़ी की पेटियां, 4 लकड़ी की अलमारियां और 1 स्टील की अलमारी देखी। इसके अलावा कई अन्य सामान भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अलमारियों के अंदर क्या रखा है उसको चेक नहीं किया है। इसके अलावा बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ का सोने का मुकुट, 3 सोने के हार जिसमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में कहा गया कि आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिसमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला है या उससे ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें, इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर। साथ ही चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।